इस समय हम लोग टिकरी बॉर्डर पर हैं, जहां पर किसान डटे हुए हैं कृषि बिलों को वापस कराने की मांग को लेकर के। अभी अभी जो फुटेज आपके सामने चल रही थी, उसमें हम आपको उन किसानों के वो घर दिखाने की कोशिश कर रहे थे जिन घरों को वो किसान आंदोलन के लिए लेकर के आए हैं। जी हाँ, वो ट्रालियाँ, वो ट्रैक्टर जो किसानों की असमत से जुड़ी हैं। आइए, एक ऐसी ही ट्रॉली में हम लोग एक इंटरव्यू करते हैं, एक बातचीत करते हैं, कुछ खास बातचीत कि कैसे इन ट्रालियों के ज़रिए वो इस लंबे संघर्ष को लड़ेंगे जबकि सरकार अस्थिर है और बिल्कुल भी नहीं मान के दे रही है। जी बताएं, क्या नाम है आपका? सर मैं सिंगर हूँ जी, मेरा नाम JP जैलदार है जी। और सर हम रतिया से आए हैं, हरियाणा से, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से आए हैं जी। मानसा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर पड़ता है हमारा गांव। और सर हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा, जो उन्होंने काले बिल हमारे लिए लॉन्च कर दिए सरकार ने, इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप देख रहे हो हमारे को कि यहाँ पर हमारे ट्रैक्टर ट्रालियाँ कितने आए हुए हैं, कितने किसान परेशान हैं। अब हमारा जो समय था सर कृषि देखने का था सर, कणक को पानी लाने का, उसमें रेस स्प्रे देखने का टाइम था सर, लेकिन हम हमारा कीमती जो समय है यहाँ पर लगा रहे हैं, हमारा जो समय है यहाँ पर वेस्ट हो रहा है सर। हमारे को सरकार ने पूरा तंग किया हुआ है सर। ये समय चावल लगाने का समय? हाँ जी हाँ, नहीं सर कणक लगाई हुई है सर। हाँ। कणक में सर अभी उसमें पानी डालने का सर, उसमें रेस स्प्रे करने का समय सर इस टाइम जो हमारा कीमती। इस ट्राली के सहारे आप लोग बहुत लंबे समय से आए, क्या इस ट्राली में कपड़े टंगे हमने देखा है, सामान रखा है, कितने लोग रहते हैं इस ट्राली? सर कम से कम 25 लोग इस ट्राली में पड़ते हैं। आप देख रहे हो 10-12 फुट की ट्राली होती है सर, 20-25 लोग पड़ते क्या है सर, टाइम पास कर रहे हैं हम सर इकट्ठे होकर सर। आप देख रहे हो ना पीछे, और हमारा ये खाने पीने का इंतजाम कैसा है सर, हम अपना खुद का घर पर लेकर आते हैं सर। हमारे बुजुर्ग और हमारे नौजवान साथी सभी इस संघर्ष को पूरी कठोरता से सर टाइम दे रहे हैं सर इसको। इस ट्रॉली में आप लाइट वाइट की व्यवस्था कैसे करते हैं? लाइट वाइट का सर वैसे ही चल रहा है, हमारे फ़ोनों पर कभी टाइम पास करते हैं, कैसे कभी कैसे करते हैं सर, बहुत परेशानी से कर रहे हैं सर हमारा। और लेकिन आप लोग लड़े हैं और खड़े हैं, कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है अभी इन कृषि कानूनों पर ज़्यादा विचार नहीं कर रही है। अभी उन्होंने 3-4 मरतबा जो टीम गई है, जो 41 सदस्यीय टीम कमेटी गई है, हमेशा जो बात करती है किसानों के इस बिल को लेकर के सरकार से, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास समझ में आया नहीं है। मतलब किसानों के प्रति सरकार का जो रवैया है वो संशोधन पे तो है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कानूनों को जो है हम वापस नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आप इस ट्रॉली के सहारे, इन ट्रैक्टर के सहारे कैसे आप लंबे समय तक रुकेंगे? सर जो सरकार है हमारे को इग्नोर कर रही है बार बार, उन्होंने 3-4 मीटिंग की है, हमारे जो जथेबंदी हैं आगे से सर, हमारी 35-36 जथेबंदियाँ उनको इग्नोर कर रही है सर बार बार, लेकिन कब तक इग्नोर करती रहेगी? हम कभी भी जहाँ से नहीं जाएंगे सर। हम वो कौम है सर, पंजाबी कौम है हमारी, जो जंगलों में पत्ते खाकर सर टाइम पास कर रही थी और घोड़ों के चल पर टाइम पास कर रही सर, वो कौम है, हम कभी भी जहाँ से जाने वाले नहीं हैं। सरकार को हमारा जो हमने अपना पक्ष रखा है उसको मानना ही पड़ेगा सर, आज नहीं कल कभी तो कभी मानना पड़ेगा सर, हम जाने वाले नहीं। आप पे जो आरोप लग रहे हैं, क्या किसान उन आरोपों से गुस्से में हैं? जी सर बिल्कुल गुस्से में सर, हमारे को कभी आतंकवादी कहा जा रहा है, कभी कह रहे हैं पाकिस्तानी है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहे हैं सर। हम सर किसान हैं, हमारा और कोई यहाँ पर कोई उद्देश्य नहीं है सर, हमारा एक ही मकसद है कि हमारे को जो काले बिल हैं उनको वापस लिया जाए सर, हम अपने घर को वापस लौट जाएँ सर। अपना खाना खुद बनाते हैं? खाना खुद बना रहे हैं सर, इधर देख लो सर हमारा खाना हाथ से हम ही बनाते हैं, और परेशान है सर बहुत ज़्यादा हमारा। आपको बताया सर अभी फसल को संभालने का टाइम टिकरी बॉर्डर पर खड़ी हुई सर, कम से कम कई लाख ट्राली हैं सर, 1-2 हज़ार नहीं है सर, कई लाख ट्राली हैं, और कई लाख आदमी जो किसान है यहाँ पर परेशान हो रहे हैं सर जो काले बिलों के। आपके हिसाब से एक ट्राली में करीब 20 लोग? 20 लोग हाँ जी, कम से कम 20-25 लोग सर सोते हैं सर। तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमेशा ये कहती है कि यहाँ पर 2-2.5 हज़ार लोग, इस बात से नहीं सर, आप देख लो आपके पास तो सोशल मीडिया के जरिए आप देख रहे हो सर, आप हाँ जी हाँ जी बैक हाँ जी सर, आप पीछे से आए हो सर, आगे तक भी जाओगे कम से कम 60-70 किलोमीटर दूर चारों तरफ दिल्ली घेरी हुई है सर किसानों ने सर। हम लोग उन्हीं सवालों पे बात कर रहे हैं जिन सवालों का लोगों में संदेह बन गया है। जी सर, लोग कहते हैं कि ये खालिस्तानी मूवमेंट है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम लोग यहाँ पर आते हैं, सतह पर आते हैं, ग्राउंड पर आते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, जी सर, तो हम देखते हैं यहाँ पर जाट भाई हैं, यहाँ पर सिख भाई हैं, यहाँ पर हिंदू भाई हैं, यहाँ पर मुसलमान भाई हैं, यहाँ पर हर वो कौम है जो किसानी से ताल्लुक रखती है। सच तो ये है कि यहाँ पर किसान मूवमेंट है। जी सर, आप क्या कहेंगे उन लोगों के जवाब में जो इसे अलग अलग तरह का मूवमेंट मानते हैं? सर यहाँ पर सभी धर्म के लोग हैं, आप देख रहे हो सिख मुस्लिम हिंदू ईसाई सब ही हैं सर। सर इसमें आतंकवादी कह रहे हैं, कभी हमारे को खालिस्तानी कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर, हम तो सिर्फ किसान हैं। अभी किसानों को मोदी सरकार है जो अभी कह दे कि मैंने बिल वापस ले लिया सर, अभी अभी घर को वापस लौट जाएंगे, हमारा और कोई मकसद नहीं है सर, हमारे ऊपर कोई भी रोप थोपता रहे ऐसे वो उनकी मर्जी है सर, लेकिन हमारे साथ धक्का हो रहा है सर। ये ट्राली किसकी है, आपकी है? हाँ जी सर, हमारी ट्राली है। हाँ जी हाँ जी सर। तो इससे पहले क्या काम में लेते थे आप?
इससे सर अभी खेत में सर कभी फसल ढोने के लिए रेस स्प्रे ढोने के लिए वही काम लेते हैं सर। अभी तो हमारे किसमें सोना पड़ रहा है आपको पता है। सोचा था कि एक दिन ये ट्राली आपका नहीं सर हमने घर बनेगा? नहीं सर हमने कभी भी नहीं सोचा था सर। जब मोदी सरकार जब से आई हमारे को परेशान ही कर रही है, कभी इसने नोटबंदी कर दी किसानों को, कभी कुछ कर दिया सर, जो हमारे किसान है वो बहुत परेशान है। लेटरिन बाथरूम को भी बहुत परेशान, बहुत हर समस्या हमारे को बहुत ज़्यादा समस्या, कुछ हल नहीं है सर। नहीं हजारों की तादाद में हम देख रहे हैं भीड़ है, कैसे मैनेज करते होंगे? बहुत दिक्कत सर, बस मैनेज तो कौन सा आपको पता ही है सर, बस अंडरस्टैंडिंग जो कर रहे हैं सर। तो अभी आप देख रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे टिकरी बॉर्डर से ट्रॉली के अंदर की एक व्यवस्था दिखाने का प्रयास कर रहे थे, हम किसानों का वो दर्द दिखाने की बात कर रहे थे जिस दर्द को मेनस्ट्रीम मीडिया लोगों तक नहीं पहुंचाती है। हम चाह रहे थे कि आप ये देखें कि वो किस तरह से एक ट्रॉली में रहते हैं, वो ट्रॉली जो अब तक उनका अनाज ढोने का काम करती थी आज वो उनका इस किसान आंदोलन में घर बनी हुई है। तो हमें लगता है कि आम जन भी उन्हें सपोर्ट करे और इस किसान मूवमेंट को सही दिशा से देखे, अपने नज़रिए से देखे, मेनस्ट्रीम मीडिया या किसी और अन्य गोदी मीडिया की नज़रिए से इस मामले को ना देखे। ये किसान मूवमेंट है और किसानों का मूवमेंट है। हम लोग इस समय टिकरी बॉर्डर पर हैं और आप देख रहे हैं फियरलेस खबर। जय हिंद।